परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ उसकी दया, उसकी प्रेम, उसकी अनुग्रह के लिए। उसकी दया, उसके प्रेम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि सृष्टि के हर एक जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर जो है होता है। वो बहुत ही प्रेमी है। आइए हम आज उसके स्वभाव के बारे में देखेंगे, उसके जो है चरित्र के बारे में आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। इससे पहले कि हम धर्मशास्त्र बाइबल में जाएं, आइए अपनी आँखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से जो है आशीष मांगेंगे। अपनी आँखों को बंद कीजिए। स्वर्ग का परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। प्रभु जी, जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको आशीष दीजिए, उनके दुख तकलीफ को, मुसीबतों को दूर कर दीजिए। हर बात हम आपको महिमा देते हैं, आपके वचन को आपके सम्मुख रखते हैं, उस पर भी आपकी आशीष को चाहते हैं। यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में देखेंगे। वो यीशु मसीह जो कि बहुत ही अद्भुत काम करने वाला है, जो आश्चर्य कर्म करता है, जो इस संसार में जो है आज से 2000 साल से पहले जो है इस संसार में आया और जिसने जो है परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में देखेंगे, उसके चरित्र के बारे में देखेंगे कि उसका स्वभाव कैसा था, वो कैसे लोगों से बातें करता था, कैसे लोगों की मदद करता था, वो कैसे लोगों से जाके मिलता था। इस बात को आज हम सीखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था। यदि मेरे साथ आप निकाल लें धर्मशास्त्र, उसके पहला पत्रस, यदि हम देखेंगे पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके यदि हम 22 पद में हम पढ़ें, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 22 पद, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बताया गया है, उसका स्वभाव कैसा था। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुँह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में देख सकते हैं। उसका स्वभाव कैसा था? पवित्रता का स्वभाव था। वो लोगों को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देता था। यदि लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो जाते थे, लोग उसको गाली भी देते थे, लोग उसको बुरा भला भी कहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी अपने मुख से कोई भी गंदी बात, कोई भी ऐसी बात जो इंसान को ठेस पहुंचाए, जो इंसान को दुख पहुंचाए, ऐसी बात अपने जुबान से वो कभी भी निकाला नहीं। वो लोगों को बहुत ही नम्रता के साथ, वो बहुत ही पवित्रता के साथ वो जो है उत्तर देता था, जवाब देता था। प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव था पवित्रता का स्वभाव था। यहाँ पर पत्रस कहता है उसने ना तो कोई पाप किया, उसने जो है अपने जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी बुराई नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी अधर्म दुष्टता का काम नहीं किया। वो हमेशा जो है पवित्रता का जीवन जिया, वो पाक जीवन जिया, वो हमेशा लोगों को सच बोलता था, वो हमेशा लोगों को सही बात सिखाता था। प्रभु यीशु मसीह ने जब तक इस संसार में रहा, जब तक वो जीवन जिया, कभी भी पाप नहीं किया, कभी भी जो है कोई गुनाह अपराध नहीं किया। वो प्रभु मसीह पवित्रता का जीवन जिया। आइए नीचे में देखते हैं क्या लिखता है। उसके मुख से छल की कोई बात नहीं निकली। वो लोगों को कभी धोखा नहीं दिया, वो लोगों को कभी छल की बातें नहीं की, वो लोगों को कभी उसने भरमाया नहीं, बल्कि उसने हमेशा जो है वो लोगों को पवित्रता के साथ, वो परमेश्वर का डर भय मानते हुए उसने लोगों को जो सिखाया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, जो पवित्रता का स्वभाव है, जो पाक का स्वभाव है, अपने जीवन में अपना लें। यदि इस स्वभाव को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, इस स्वभाव को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वो परमेश्वर की आशीष जो हमारी समझ से परे है, वो प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होगा। परमेश्वर हमें भी वो जीवन देना चाहता है, वो आशीष देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पवित्रता का स्वभाव, वो पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, पवित्रता का स्वभाव। लोग कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा। हमारा जो बाप है, हमारा जो पिताजी है, वो प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे पापों से हमें निजात देता है, जो हमें पापों से मुक्ति और मोक्ष देता है। यदि उस पर हम विश्वास करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो उसका जो जीवन है वो पवित्रता का जीवन है। उसने अपने जीवन काल में कभी भी कोई अधर्म, कोई बुराई, कोई दुष्टता का काम नहीं किया, उसने पवित्रता का जीवन जिया। आइए यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, हम भी उसके स्वभाव को अपने जीवन में ले लें, हम भी पवित्रता का जीवन जिए। यदि उस पवित्रता का हम जीवन जीते हैं, तो हम
परमेश्वर को हम देख सकते हैं, परमेश्वर से हम मिल सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ संगति कर सकते हैं, उसके साथ हम चल फिर सकते हैं, उसके साथ उठ और बैठ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं परमेश्वर से साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसके लिए हमें पवित्रताई का जीवन जीना है। ये पवित्रताई का जो स्वभाव है किसका स्वभाव है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। इसको हमें अपने जीवन में ले लेना है, अपना लेना है, इसको अपने जीवन में लागू करना है। आइए हम भी पवित्रताई का जीवन जिए, पवित्रताई से परमेश्वर की आराधना करें, उपासना करें, उससे जो है हम उससे साक्षात्कार कर सकते हैं। कैसे? पवित्रताई का, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करके। आइए अब देखते हैं, आगे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखते हैं। और क्या प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था? यदि मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके जो है 36 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय पद 36 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब उसने देखा, किसने देखा? प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं था, वो व्याकुल और भटके हुए थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो लोग पर तरस खाता है, जो लोग पर दया करता है। वो जब लोगों को देखा कि लोग जो है बिना चरवाहे के हैं, उन भेड़ों के समान है जो बिना चरवाहे के होते हैं, जो तितर बितर भटकते रहते हैं, यहाँ से वहाँ जो घूमते रहते हैं, उनकी कोई रखवाला नहीं होता। इसी प्रकार से संसार में जो लोग हैं, जो भटके हुए, जो अंधकार में, जो तितर बितर हैं, उनको देख कर प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है, उन पर दया करता है। एक समय मैं भी जो है प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर था, मैं भी प्रभु यीशु मसीह को जानता नहीं था, अंधकार में जीवन जी रहा था, पाप में जीवन जी रहा था, मैं भटका हुआ था, मैं जो है खोया हुआ था इस संसार में। लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, मैं उस प्रभु यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझ पर तरस खाया, मुझ पापी मनुष्य पर तरस खाया, उसने अपनी दया, अपनी करुणा को मुझ पर जाहिर किया, प्रकट किया, उसने मुझे अपने सेवकाई के लिए आज चुन लिया है। अब तभी जो है मैं उसके वचन का प्रचार कर रहा हूँ, उसके वचन को आपको बता रहा हूँ। वो तरस खाने वाला यीशु मसीह है। आप जैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जैसे भी स्थिति में क्यों ना हो, आप चाहे पाप में क्यों ना हो, आप बड़े से बड़े अधर्म दुष्टता के काम क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो तरस खाने वाला यीशु मसीह है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको जो है एक नया जीवन देना चाहता है, वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता, वो पवित्रताई का जीवन, वो जो है वो जीवन जो अनंत जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह लेकर इस संसार में आया। वो कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। यदि हम यौहन रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 16 पद पर पढ़ें, वहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। वो प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला यीशु मसीह है। वो जो लोगों को देखकर, उनकी कमजोरियों को देखकर, उनकी बीमारियों को देखकर, उनकी समस्याओं को देखकर वो तरस से भर जाता है, वो दया से भर जाता है, वो प्रेम से भर जाता है, और वो जो है लोग पर जो है दया करता है, उनके सारे दुख को, परेशानियों को, तकलीफ को उनकी ज़िंदगी से वो दूर कर देता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तरस खाने वाला स्वभाव है। क्या आप और मैं ये स्वभाव हम अपने जीवन में रखते हैं? क्या हमारे जीवन में तरस खाने वाली स्वभाव है? जब हम लोगों को देखते हैं, जब अनाथ बच्चों को देखते हैं, जब गरीबों को देखते हैं, जब भिखारियों को देखते हैं, किसी को बीमार में पड़े हुए देखते हैं, किसी को हॉस्पिटल में देखते हैं, क्या हम तरस से भर जाते हैं? क्या ऐसा स्वभाव आपके पास और मेरे पास है? यदि नहीं है तो आइए आज इस स्वभाव को अपने जीवन में ले लें। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था तरस खाने वाली स्वभाव। वो लोगों को देखकर तरस खाता था, वो भीड़ों को देखकर उसने तरस खाया और उनको आशीष दिया, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। आइए हम इस स्वभाव को अपने जीवन में ले लें। हम भी लोगों को देखकर तरस आना चाहिए हमारे अंदर से, हमें भी, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर तरस खाया है और हमें भी चाहिए कि हम लोगों के ऊपर तरस खाएँ और लोगों को जितना हो सके अपनी तरफ से मदद करें, उनकी सहायता करें। आप मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना है, मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हैं, वो जब बीमारियों को देखता था, वो कोढ़े से ग्रसित लोगों को देखता था, वो अनाथ बच्चों को देखता था, वो तरस से भर जाती थी, उनका मन उनका दया से भर जाता था, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते थे, और लोगों को जो है वो उठाकर वहाँ से जो है सड़क से उठाकर वो जो है अपने जो है घर में ले आता था, उनकी सेवा करती थी, वो उनकी देखभाल करती थी, उनके घाव पर मरहम पट्टी लगाती थी, क्योंकि वो तरस खाती थी। वो तरस उसके कहाँ, अंदर में कहाँ से आया? प्रभु यीशु मसीह का।
ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है जो मदर टेरेसा के अंदर में जो है हम देखते हैं। वो तरस खाने वाली माँ थी वो, और लोग ऊपर लोग की बीमारियों को देखकर लोग ऊपर जो है हमेशा तरस खाती थी, लोग को अपने घर में लेकर आती थी, सेवा करती थी। एक व्यक्ति उसको पूछता है, क्या बात है, कौन सी ऐसी बात है जो आप बीमार लोगों को उठाकर अपने घर में लाती है? मदर टेरेसा उनको जवाब देती है कि हर एक इंसान के चेहरे में मुझे प्रभु यीशु मसीह नजर आता है, अब मैं तरस से भर जाती हूँ, मैं दया से भर जाती हूँ। आइए प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम अपने जीवन में ले लें। हम भी लोग ऊपर लोगों को देखें तो हमारे अंदर से भी ये तरस की भावना जो है उमड़ जाना चाहिए, तरस से हम भी भर जाएं। यदि ऐसा यदि हम करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हम पर भी वो बरकत की बारिश करेगा। आइए हम इस स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। आइए और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का और क्या स्वभाव था। वो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम देखने के लिए लूका रचित सुसमाचार उसके हम 11 अध्याय में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके पहला पद पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का हमने दो स्वभाव देखा, एक तो पवित्रता का स्वभाव और दूसरा हमने देखा तरस खाने वाली स्वभाव, और तीसरा हम उसकी स्वभाव देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय उसके पहला पद, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, और जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के पहले हमने स्वभाव देखा पवित्रता का स्वभाव, दूसरा स्वभाव देखा वो तरस खाने वाला प्रभु है, तीसरी हम स्वभाव देखते हैं प्रार्थना करने वाला प्रभु है। वो प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही प्रचार नहीं करते थे, ऐसे लोगों को चंगाई नहीं देते थे। वो जो है परमेश्वर के सम्मुख जाके वो घुटने में आके जो है परमेश्वर से चीर से गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे, सामर्थ्य प्राप्त करते थे, परमेश्वर से आशीष प्राप्त करते थे, और फिर वो जो है लोगों के सामने खड़े होकर वो प्रचार करते थे, वो चमत्कार करते थे, वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, बीमार से ग्रसित लोगों से के लिए वो चंगे हो जाते थे, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, वो बहरे सुनने लगते थे, वो मुर्दे जिलाए जाते थे, वो दुष्टात्मा से ग्रसित भूत ग्रसित वो प्रभु यीशु मसीह उनको स्वतंत्र कर देता था, वो हर एक बंधन को तोड़ के उनको आज़ाद कर देता था। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रार्थना का स्वभाव था, तभी वो ये सारे काम कर पाता था। यदि आज आप सोचते हैं कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के समान काम करूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने वचन में कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे बढ़कर काम करोगे, यदि ये काम करना चाहते हैं तो आइए प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण कर ले। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? प्रार्थना का स्वभाव था, और उसी प्रार्थना के बल से उस प्रार्थना की वजह से वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया, वो बड़े बड़े काम किया, उसने अद्भुत काम किया। आइए हम भी जो है प्रार्थना करें, घुटने में आ जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर के सानिध्य में आ जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर के साथ जीवन जिएं, वो परमेश्वर के साथ चले फिरें। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, हमें भी जो है वो जो है वो आशीष देना चाहता है जिस जो आशीष उसने प्रभु यीशु मसीह को दिया था। लेकिन उसके लिए हमें यह प्रार्थना का स्वभाव अपने जीवन में जो है ग्रहण करना पड़ेगा, ये प्रार्थना का स्वभाव हमें अपने जीवन में जो है अपनाना पड़ेगा। आइए ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, इसे हम अपना स्वभाव बना लें, तब जो है हम बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे, और परमेश्वर के अद्भुत काम को परमेश्वर के आश्चर्य काम को जो है हम अपने जीवन में देख सकते हैं। इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के इस स्वभाव को अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है। ओ प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रार्थना का स्वभाव था, रात रात भर वो प्रार्थना करता था, आइए हम भी प्रार्थना करें। ओ यदि हम दानियल के बारे में हम देखें तो हम जान सकते हैं तो दानियल भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, वो जो अपनी रीति से जो है दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था, चाहे उसके दुख में परेशानी हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे ना हो, चाहे वो खुशी में रहे, चाहे आनंद में रहे, चाहे दुख में रहे, वो दिन में 3 बार जो है वो प्रार्थना किया करता था। उसका स्वभाव था, वो किसका स्वभाव है? वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दानियल के अंदर में हम देख सकते हैं। आइए हम भी जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ले लें, तभी तो दानियल उस न जो है बाबुल में जो है वो जो है एक अच्छे उच्च पदवी में था, एक प्रधानमंत्री के रूप में था, वो सारे लोग ऊपर उसको प्रधान बनाया गया था। क्यों? क्योंकि उसके पास जो है प्रार्थना का स्वभाव था, तभी जो है वो भेद भरी बातों को वो जो है प्रकट करता था परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर उसको बताता था, परमेश्वर उसकी मदद करता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वो प्रार्थना का स्वभाव। क्या आपके अंदर और मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव पाया
आता है, यदि हमारे अंदर इस प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव है, प्रार्थना का स्वभाव है, तो हम भी जो है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेंगे और बड़े बड़े जो है अद्भुत काम करेंगे, और परमेश्वर हमें हमेशा जो है वो हाई लेवल पर जो है हमें ऊँचे स्थान पर रखना चाहता है, हमें खड़ा करना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, जो प्रार्थना का स्वभाव है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करने की जरूरत है, उसे हम अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। आइए देखेंगे और आगे देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में हम सीखेंगे, और उसका स्वभाव क्या था, और उस वो कैसे लोगों से व्यवहार करता था, और उसके चरित्र में और कौन सी जो है गुण बातें पाई जाती है, इन बातों को हम देखेंगे। यदि मेरे साथ निकाल लेंगे फिलिपियों की पत्री उसके दो अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसके दो अध्याय उसके 8 पद हम देखेंगे। यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का और क्या स्वभाव था। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 8 पद यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के एक और स्वभाव के बारे में। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जो स्वभाव के बारे में सीख रहे हैं, हमने पहली स्वभाव देखा पवित्रता का जीवन, और दूसरी हमने स्वभाव दिया देखा त्रस खाने वाला, और तीसरी हमने जो स्वभाव देखा है वो प्रार्थना का स्वभाव, और उसकी जो चौथी स्वभाव है आज्ञा मानने वाला था। वो चाहे कैसी भी दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समय हो, कैसा भी जगह हो, कहीं भी हो, प्रभु यीशु मसीह हमेशा जो है आज्ञा मानता था। वो परमेश्वर पिता का आज्ञा मानने वाला था, वो आज्ञाकारी था। वो तभी परमेश्वर पिता ने उसको जो है आशीष दिया, उसको इस्तेमाल किया। क्या ये स्वभाव आपके अंदर और मेरे अंदर पाया जाता है? यदि हम 10 आज्ञा देखें, परमेश्वर ने जो मूसा को जो 10 आज्ञा दिया था, उनमें 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, तू अपने माता पिता का आदर करना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, परमेश्वर चाहता है कि हम उनकी बातों को सुने। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा मानता है, अपने पिता के प्रति ईमानदार है, वफादार है, आज्ञाकारी है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, परमेश्वर ने उसको जो है ऊंचे स्थान में रखा। कब? जब उसने परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता दिखाया। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है। यदि यह स्वभाव आपके अंदर पाया जाता है, यदि मेरे अंदर पाया जाता है, तो हम भी पौलुस के समान जो है कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। पौलुस ने बड़े बड़े काम किए, और पौलुस जगह जगह जाके प्रचार किया, और लोगों के भीड़ में खड़े होकर जो प्रचार करता था, वो कैसे ये सब कर पाया? सिर्फ आज्ञाकारी की वजह से। आइए हम भी परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। ओ परमेश्वर से कह दे, प्रभु मैं भी तेरा शिष्य हूँ, मैं भी तेरा चेला हूँ, हमें उसके चेला बनने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है जो है उसके अंदर में पाया जाता था। आइए इस स्वभाव को हम अपने अंदर में ले लें। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था आज्ञाकारिता, उसका स्वभाव था पवित्रता का, तरस खाने वाला, प्रार्थना का स्वभाव था। ये सारे स्वभाव आज इसी वक्त जो है हम अपने जीवन में ग्रहण कर ले। परमेश्वर पिता हमें चाहता है कि इन स्वभाव को अपने जीवन में ले, ताकि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल करना चाहता है, हमें भी जो है प्रभु यीशु मसीह की तरह जो है वो लोगों के बीच में खड़े कर ऊंच दिखाना चाहता है कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपना स्वभाव मान लें, अपने जीवन में ग्रहण कर लें। आइए और स्वभाव देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की। यदि उसी फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके हम 6 से हम पढ़ें, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के एक और स्वभाव के बारे में बताया गया है। 6 पद से यदि हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय उसके 6 पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सहली। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के एक और स्वभाव के बारे में देख सकते हैं, दीनता। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, जो आदि में था और जो अभी है और जो भविष्य में रहेगा। ओ प्रभु यीशु मसीह
जो कभी बदलता नहीं है, न तो जिसकी कोई बिगनिंग है, न जिसका कोई शुरुआत है, न जिसकी कोई अंत है, वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर होकर अपने आप को जो है शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, यहाँ तक कि उसने मृत्यु सह लिया। कभी भी उसने अपने आप को वो ये नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ, कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे वैसा नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया, यहाँ तक कि दीन कर दिया कि अपने आप को पूरे जीरो बना दिया उसने। यदि आप हीरो बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि लोग मुझे जाने, यदि आप फेमस होना चाहते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की नज़र में अपने आप को जीरो बना दो, अपने आप को शून्य कर दो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शून्य कर दिया। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर ने उसको एक ऐसा नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, एक ऐसा पद दिया जो सब पदों में श्रेष्ठ है, हाई है, वो आपको मुझको देना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें भी अपने आप को दीन और नम्र करना पड़ेगा। आज ये बहुत ही मुश्किल है अपने आप को दीन और नम्र करना, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, आइए हम इसको जीवन में अपना लें। वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा पवित्रता का जीवन जीने के लिए, वो तरस खाने के लिए, तरस से भर जाने के लिए, प्रार्थना का जीवन जीने के लिए, यहाँ तक कि आज्ञाकारिता होने के लिए और दीनता, अपने आप को शून्य करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करेगा। आइए प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में ले ले और परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर हमें वो जो है ऊंचे पद पर खड़ा करेगा, वो प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए कि हम उसके स्वभाव को जो है अपने जीवन में ग्रहण कर ले, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपना ले। आइए प्रभु यीशु मसीह के एक और हम स्वभाव देखेंगे, वो पहला पत्रस उसके 2 अध्याय यदि हम उसके 23 पद पर हम पढ़ें, वो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 23 पद, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, यदि आपको कोई एक चाटा मार दे आप उसको भी एक चाटा मार देते हैं, वैसे हाँ हमारी स्वभाव है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वो गाली देकर कभी वो गाली नहीं देता था, वो क्षमाशील था, लोगों को माफ़ करता था, लोगों को जो है वो जो है माफ़ कर देता था, लोग उसके विरुद्ध में बातें करते थे, लोग उसको जो है चिढ़ाते थे, लोग हमेशा उसको गाली देते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी अपने मुंह से कोई गंदी बात निकाली नहीं, वो हमेशा लोगों को माफ़ करता था। यहाँ तक कि क्रूस पर जब वो था तो वहाँ पर भी वो कहा, हे पिता मैं ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर। वो क्रूस में चढ़ाने वाले लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। आइए इस स्वभाव को अपने जीवन में ले ले, पवित्रता का स्वभाव, वो तरस खाने वाली स्वभाव, वो जो है प्रार्थना का स्वभाव, आज्ञाकारिता का स्वभाव, वो जो है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, क्षमाशील का स्वभाव था, उसका दीनता का स्वभाव था। इन स्वभाव के यदि हम लेते हैं, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, परमेश्वर हमारे जीवन से आश्चर्य कर्म करेगा। आइए अपने आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके स्वभाव को हम अपने जीवन में लेना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, आपकी तरह हम जिंदगी जीना चाहते हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए, तरस कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हर बात हम आपको महिमा देते हैं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन।